नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद जारी है और दूसरे चरण का आज मतदान हो रहा है, यानी कि 3 नवंबर। 3 नवंबर को बिहार में दूसरे चरण का मतदान है, जो कि बिहार के 17 जिलों के 94 विधानसभा सीटों पर हो रहा है। आपको बता दें कि वहीं पटना आज पहुंचे हैं शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्होंने आज पटना में मतदान भी किया है अपने बेटे लव सिन्हा के साथ। और आपको मैं बता दूं कि इस बार विधानसभा चुनाव में उनके बेटे लव सिन्हा पटना के बाकीपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और उनके पक्ष में आज बॉलीवुड अभिनेता और कांग्रेस के नेता शत्रुघ्न सिन्हा पटना पहुंचे हैं और शत्रुघ्न सिन्हा ने पटना में मतदान भी दिया है। और साथ ही में उन्होंने तेजस्वी पर भी अपना बयान दिया है, अपने बेटे लव सिन्हा के बारे में बहुत कुछ कहा है। और क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने, आप सुनिए इस वीडियो में। पिछली बार के चुनाव के नतीजे जो आए थे और मामले कुछ सुप्रीम कोर्ट में डिस्क्रिपेंसीज के मामले में पेंडिंग में, मोर देन 300 सीट्स के पेंडिंग है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को और रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस को नोटिस भी भेजा गया सुप्रीम कोर्ट में। फैसला बहरहाल जब भी हो, पिछली बार पूरे बिहार में 40 में से 39 सीटें चली गई थी। कई लोग का मानना है ईवीएम की भी मेहरबानी रही होगी, वैसा ही आपने देखा होगा कि राजस्थान में सिर्फ एक भी सीट नहीं आई, मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सीट आई। वैसे बहुत जगह लोगों का मानना है, कहना है कि ईवीएम पे का बहुत खेल हुआ। मैंने भी कहा था खेल तमाशा हुआ था। बहरहाल इस बार जो है नज़र रखनी चाहिए उस पर और आदमी को चौकन्ना रहना चाहिए। सर जी, मोदी जी जंगल राज का भय दिखा रहे हैं अपने प्रचार। मोदी जी आपके अच्छे मित्र हैं, बिहार में नीतीश जी भी मित्र हैं, मोदी जी भी आपके अच्छे मित्र हैं, अगर दोनों में से कोई जाता है तो आपको दुख तो होगा ना? अरे कमाल है, व्यक्तिगत दृष्टि अलग होते हैं, देश और प्रदेश का मामला और है। यहाँ आज चुनाव है, लोकतंत्र है, लोग बिहार में एक बदलाव की ओर देख रहे हैं, परिवर्तन की ओर देख रहे हैं, जो क्रांतिमय वातावरण पैदा हुआ है और विशेषकर युवा दबंग जानदार शानदार दमदार नेतृत्व हमारे अपने तेजस्वी यादव के प्रति, और ख़ासकर हमारे बच्चे जो यूथ ब्रिगेड के बहुत ज़बरदस्त अहम अंग हैं, हिस्सा हैं लव सिन्हा, उनके प्रति, उनके जैसे और बहुत सारे यंगर जनरेशन के लोग आए हैं उनके प्रति। तो सुना आपने किस तरह शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि वो अपने बेटे के पक्ष में यहाँ आए हैं। और उनके बेटे, में आपको बता दूं, उनके बेटे जो हैं लव सिन्हा इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में पटना के बाकीपुर विधानसभा सीट से खड़े हुए हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और अब देखते हैं कि आने वाले 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के क्या कुछ परिणाम होते हैं, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा ने भी पटना में और बिहार में घूम घूम कर अपने बेटे लव सिन्हा के लिए चुनावी प्रचार प्रसार भी किया है। अब इसका फ़ायदा क्या कुछ मिलता है उनको, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, यानी कि 10 नवंबर को पता चलेगा कि आखिर बिहार में सरकार किसकी बनेगी और किसकी जीत और किसकी हार होगी। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए नेशन न्यूज़। धन्यवाद।